अब खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से भाजपा नेता कैलाश मिश्रा के विरुद्ध अपराध दर्ज करने की मांग की है। दरअसल बताया जा रहा है कि भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने बैनर पोस्टर लगाकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रामक प्रचार प्रसार रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं राकेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा नेता के इस कृत्य से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व महापौर के मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो ठीक नहीं है। और बिना परमिशन के प्रचार कर रहे थे, उस पर हम लोग यहाँ पर थाने में भी हमारे साथी गए थे और अभी एसडीएम साहब के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई की बात की है। ये वो लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें समाज में ऐसी सेवा करने का भाव नहीं है ध्यान पे, केवल और केवल ऐसी भ्रामक स्थिति उत्पन्न करके अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। जिलाध्यक्ष कांग्रेस राकेश गुप्ता जी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के विरुद्ध एक रिक्शा में भ्रामक प्रचार वगैरह किया जा रहा है, जो कि कैलाश मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है, और उस पर कार्रवाई की मांग की गई है।